हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेबी की लंच की फूड रेसिपी जो बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मच सूजी ली है और टेस्ट के लिए थोड़ा सा गुड़ लिया है और वेजिटेबल प्योरी जे मेरी कैरेट एंड ब्रोकली की बनाई हुई है, घर पे बनाई हुई है, और बॉयल्ड वाटर को मैंने ठंडा करके लिया है। तो इन चीज़ों से ही हम बेबी का लंच तैयार करेंगे। तो आप इन दोनों को मिक्स कर लें। इसमें प्योरी ऐड करें। वेजिटेबल प्योरी ऐड करने से ये एक हेल्दी लंच बन जाएगा और वाटर ऐड करें और इसको अच्छे से इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। सूजी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है बेबी ग्रोथ के लिए और कैरेट बेबी की आइज के लिए बहुत अच्छी होती है और गुड़ है जो वो आयरन से भरपूर होता है और ब्रोकली इज़ आल्सो हेल्दी ऑप्शन। आप कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल प्योरी ऐड कर सकते हैं और इसके बिना भी आप इसको बना सकते हैं। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए आप कवर करके रख दें। हाँ जी, 5 मिनट के बाद ये पेस्ट अभी रेडी है पकाने के लिए। तो तब मैंने गैस जला लिया है, तवा हमारा रेडी है। तो हम इसके लिए घी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस पे घी लगा लूँगी तवे पे, बस थोड़ा सी लगाना है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेबी बड़ा है 1 ईयर से तो आप ज़्यादा घी लगा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं आप इसको, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये पेस्ट रेडी है और पेस्ट को एक मोटी सी तह बनाकर डालना है, बिल्कुल पतला पतला नहीं, ये छोटे छोटे बनाएंगे हम। ये आप इसको देखो, ये मैंने 5 बना दिए। इनको मैंने पलट लिया है। सूजी बहुत ही जल्दी जल जाती है, इसीलिए आप ध्यान रखें, इसको लो पे ही बनाएं। मैंने तेल बहुत कम यूज़ किया है, बस थोड़ा सी किया था आपके सामने, एक बूंद। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। बस मैंने गैस बंद कर दिया और अब ये रेडी हैं। हाँ जी, बेबी डिश बनके मेरी रेडी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, आप देख सकते हो, और हेल्दी भी हैं क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं एंड सूजी है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इसमें हमने गुड़ डाला है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चों के लिए, पर उसकी मात्रा हमने कम रखी है क्योंकि
बच्चों के टीथ के लिए ज़्यादा स्वीट्स अच्छा नहीं। तो जी अभी मेरी रेसिपी रेडी है, इसको आप डेली भी दे सकते हैं और अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जी हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड लंच में आप दे सकते हो, डिनर में भी दे सकते हो, बट जी लंच एंड ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है। आप अपने लिए भी इसको बना सकते हो, आपके लिए भी हेल्दी है और आपके बेबी के लिए भी हेल्दी है। देखो जी ये पूरे तरीके से बन के रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।